नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय मेघालय में मौजूद हैं। मेघालय यानी मेघों का डेरा, मेघों का आलय, मेघों का बसेरा जहाँ पर है। यहीं ईस्ट खासी हिल्स जो हैं, वहाँ पर वो जगह मौजूद हैं जहाँ पर पूरे भारत में सबसे अधिक बरसात होती है। तो आज इसी जगह से हम आपको देश भर में मेघों की चाल और बारिश और बाढ़ के हाल की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। मानसून की अद्भुत माया, कहीं पानी से हाहाकार तो कहीं पानी के लिए हाहाकार। हरियाणा का या कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिहार फिर जारी है, कोई साधन नहीं है निकलने के लिए। उत्तराखंड में सैलाब का सितम, कहीं हवा में नेशनल हाईवे तो कहीं जेसीबी बनी उड़न खटोला। मानसून टाइप का एक ग्लेशियर टाइप का फट गया था बोलते हैं ऊपर, तो इसके वजह से काफी तेज पानी का प्रवाह हो गया था। ये गोरीछाल का जितना भी क्षेत्र है टोटल आपदा की जद पे। गांव में क्या हुआ? रोडी नहीं है, वहाँ खत्म है। ये बंगावानी से आ रहे हैं हम। हाँ। ये यात्री मटकोट से आ रहे हैं, पैदल पैदल आ रहे हैं। अभी घर वर गिरे हैं? घर भी गिरे हैं, ये बरेली जा रहे हैं, ये बेचारे पैदल। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम सर सेराघाट से आ रहे हैं। आ रहे हैं सेराघाट? सेराघाट से आ रहे हैं। तो वहाँ रास्ते में क्या कुछ दिखा आप लोगों को? बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत पैदल चल के आ रहे हैं सर। पैदल चल के आ रहे हैं? सड़क वड़क नहीं है उधर? नहीं है सर, टूट गया था। एमपी में भी मानसून की गजब माया, कहीं वक्त से पहले बारिश की फुहार तो कहीं अचानक आए सैलाब में फंस गए इंसान। दक्षिण के द्वार से करीब एक महीने पहले मानसून ने देश में एंट्री मारी, कहीं झूम कर तो कहीं घूम कर मेघदूतों की टोली आगे बढ़ रही है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में जहां बारिश ने जोरदार दस्तक दी है, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आसमान सूना सूना है। मानसून की रफ्तार कहीं तेज तो कहीं स्लो क्यों है? क्यों देश के अलग अलग राज्यों में काले बादलों के रंग ढंग बदले हुए हैं? मानसून के बदले हुए मूड के पीछे अफ्रीका और यूरोप का कनेक्शन क्या है? अभी आ रहा है इंडियन ओशन को तो टाइम लगेगा, लेकिन जब वो अफ्रीका या अमेरिका जो इक्वेटर के पास होता है, अमेरिका का दक्षिण में और अटलांटिक ओशन में होता है, तब इंडियन मानसून वीक होता है, ये उसका इंपैक्ट है। 3 जून को मानसून केरल के तट से टकराया और उसके बाद से अब तक लगभग 3/4 देश में मानसून के बादल छा चुके हैं। ये बात अलग है कि पश्चिमी राज्यों से ज्यादा मेहरबान मानसून जो है वो पूर्वी राज्यों में रहा है, खासकर बिहार। बिहार में तो बरसात के बाद से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हर साल की तरह की तस्वीर दिख रही है। और पटना जो राजधानी है, वहां तो एक बारिश में किस तरीके से बड़े बड़े बंगले
मंत्रियों के बंगले पानी में लबालब डूबे हुए दिख रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मॉनसून बिहार के लिए मुसीबत लेकर आया है। अभी तो मॉनसून ने सिर्फ पहले ही चरण की बारिश की है और बिहार में गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। हैरान करने वाली तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। मॉनसून की पहली बारिश में राजधानी पटना का क्या हाल हुआ, ये आप खुद देख सकते हैं। सड़कें दरिया बन गई, वीवीआईपी इलाके डूब गए, मंत्री से लेकर संतरी के घरों में पानी भर गया। भरा हुआ है पूरा मुख्यमंत्री आवास, सब जगह भरा हुआ है। मैडम अभी कहां पर है? मैडम है पर। विधानसभा से लेकर अस्पताल तक हाल देखकर समझ सकते हैं, जब इन इलाकों की तस्वीरें ऐसी हैं तो बाकी पटना का क्या हाल हुआ होगा। देखिए, बिहार सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले डिप्टी सीएम रेणु देवी के बंगले का क्या हाल है। गेट से लेकर कैंपस तक हर तरफ पानी ही पानी है। चार पांच घंटे की बारिश हुई है पटना में, उसके बाद रेणु देवी का ये सरकारी आवास है जो आप देख सकते हैं, चारों तरफ से जो है वो जलमग्न हो चुका है। सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं, बिहार के कई जिलों में बाढ़ से त्राहिमाम है। रक्सौल का हाल देखिए, यहाँ पर लोग पानी में बाइक को जहाज बनाकर चला रहे हैं। किस्मत अच्छी तो पार, नहीं तो कुछ ऐसा हो रहा है हाल। एक पुल है टूटा हुआ है, उसमें पानी बहुत दिक्कत हो रही है, तो सभी लोगों के परेशानी हो रही है। छपरा की ये तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दावा किया जा रहा है कि सैलाब के बीच भी लोग शादी की रस्में धूमधाम से मना रहे हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से शादी की ऐसी ही कई तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें बिहार की नियति बन चुकी हैं। समस्तीपुर में कुछ घंटों की बारिश ने इस कदर कोहराम मचाया कि यहाँ पर सरकारी दफ्तर से लेकर वीवीआईपी इलाके पानी पानी। बारिश होती है यहाँ, ऐसी समस्या होती है। देखते हम तो सोचते गांव में ही बाढ़ है, लेकिन यहाँ तो ब्लॉक में भी यही हाल है। बिहार में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बेतिया, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, हाजीपुर, सहरसा और छपरा में बाढ़ से हाल बेहाल है। रोड पे अभी तक कोई नहीं आया, यहाँ पे पुलिया बना है ना कुछ बना है, हर साल की तरह यहाँ पर परेशानी होता है आने जाने वाले के लिए। यहाँ जो है सो फसल, अब धान और मूंग छोड़ दीजिए, गन्ना का भी फसल नहीं बच पा रहा है। इस इलाके में जहाँ जो पानी का सैलाब पूरा भरा पड़ा हुआ है, वहाँ जाने के लिए नाव तक की व्यवस्था नहीं है। बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है,
उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाली देश की कुल आबादी में 22.1% आबादी बिहार की है। बिहार के उत्तर में नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है, जहां बारिश होने पर पानी नारायणी, बागमती और कोसी जैसी नदियों में जाता है। ये नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं। नेपाल की बाढ़ भारत में भी बाढ़ का कारण बनती है। ये बाढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में आती है। जब नेपाल के ऊपरी हिस्से में भारी बारिश होती है तो तराई के मैदानी भागों और निचले भूभाग बाढ़ की स्थिति बन जाती है। पिछले दिनों नेपाल में जोरदार बारिश हुई तो उसका असर भारत की नदियों में दिखने लगा। पूरा शहर भीगा हुआ है, इधर पूरा बरसात से पूरा परेशानी बढ़ गया है। क्या दिक्कत है, खाना भी पानी भी ना। इस बार भी बिहार में बाढ़ की त्रासदी नेपाल के सिंधुपाल चौक में बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बाद शुरू हुई है। बिहार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब जगह पर लगातार बारिश हो रही है और कई जगह तो अनुमान से ज्यादा बरसात हो रही है। और ये जो ज्यादा बरसात हो रही है उस कारण कई जगहों पर आप बाढ़ जैसे हालात देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की बारिश हुई है उससे कई जगहों से ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी है। लाखन के नुकसान भवा भैया, लाखन में यहाँ पहुँच गए। लखनऊ का किस फसल का हुआ? सब गन्ना के ज्यादा नुकसान हुआ। लैया तो भी लगी, कोई लग गए, कोई नहीं लगी है। लैया वहाँ चली गई, लगावा कहाँ से जाइए। लैया जो लैया बोई रहा है वह गली गए है, तो अब कहाँ से लग जाये, वह खेत पर रही। बहुत भैया नुकसान भवा है। गाँव में है करीब 3-4 फीट। आप क्या लेने आए? आगे रास्ता सब्जी, आलू, धनिया, मिर्चा, लोन सब लेने आए। कितने दिन का ले आए? आया 5 दिन का लाता है आदमी, और का ज्यादा ला पाएगा यहाँ पे? कोई कमाई नहीं हो रही, कोई कमाई थोड़ो धरी है यहाँ पे की ज्यादा ले आए। इतना जितना बटोर पाता है उतना लाता है, ज्यादा से लाए। क्या ले आए? इसमें तेल लाया। कितना दूर तक चल के जाना पड़ा ऐसे ही इसी पानी में आपको? 2 किलोमीटर ऐसे ही। पानी का लेवल बढ़ा? आगे बढ़ाए पानी। उत्तराखंड और नेपाल में हो रही लगातार बारिश के चलते बनबसा बैराज से शारदा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात बन गए। शारदा और घाघरा नदी के निचले हिस्सों में आने वाले तमाम गांव इसी तरह बाढ़ में जलमग्न। यूपी में कासगंज, बाराबंकी, गोंडा जैसे जिलों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ भी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है, घर कट गया है, कहाँ रही, कौन व्यवस्था मिली के ना मिली। की स्थिति है, ये बहुत बुरा हाल है यहाँ का। फसल सब खराब हो गई है, यहाँ का स्थिति बहुत बुरा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन दिनों मानसून की जोरदार बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव की समस्या सामने आ रही है, लोग परेशान हैं। काफी नीचे था, 6 इंच लगभग नीचे था, डेली 6 इंच बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मंदिर धीरे धीरे डूब रहा है। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि असली बारिश तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। उत्तराखंड में भी बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले एक हफ्ते के अगर हम आंकड़ों को देखें तो 211% ज्यादा बरसात हो चुकी है। अधिकतर जो नदियां हैं वो उफान पर नजर आ रही हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम अजब गजब है, एक तरफ सैलाब तो दूसरी तरफ सफेद आफत है। पिथौरागढ़ समेत दूसरे इलाकों में जहां बारिश हो रही है, वहीं चमोली के ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। दोहरी मुसीबत से लोग परेशान हैं। भाई को बुखार आ रहा है, मोहन भाई से
पेट पर उठा के ले जा रहे हैं लगभग 8 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं। चारों तरफ बर्फ, लगभग 4 फीट बर्फ में पैदल यात्रा। भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तस्वीरें उत्तराखंड के भारत चीन सीमा क्षेत्र के माना पास की हैं। यहां बीते दिनों हुई बारिश के बाद जमकर बर्फबारी हुई, हर तरफ 1 से 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई। पहाड़ पर मानसून की दस्तक ने ऐसा कोहराम मचाया है कि कई मुख्य सड़कें पानी में बह गईं, कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। नेशनल हाईवे का हाल क्या है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर एक राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल किसी नदी की चपेट में आ जाए तो न जाने आगे ऐसे कितने गांव होंगे जहां की कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई है। कितने गांव प्रभावित हुए हैं इस पुल की वजह से? यहां से ये जोलरी टू मुनस्यारी ऑल वेदर मोटर मार्ग है, ऑल वेदर रोड इसी को कहते हैं। जी 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 जी, ऑल वेदर मार्ग है ये पूरा, जो है पूरा यहां से पूरे जितने गांव है मुनस्यारी तक, बंगापानी तहसील और मुनस्यारी तहसील के सारे गांव कट गए जो इससे कनेक्टिविटी। अब वहां तक कोई जा नहीं सकता? कोई जा नहीं सकता सर, ऊपर यहां मन को मन घरेड़ी लुमती लुमती में और घरेड़ी में तो पूरे जो है मकान खतरे की जद में आ गए हैं, लोग भाग रहे हैं वहाँ, पार कनेक्टिविटी कुछ नहीं, जाने का कोई रास्ता नहीं। बाकी लुमती में भी मकान बिल्कुल खतरे की जद में, 3-4-5 जगह जो है रोड पूरा कनेक्टिविटी खत्म। तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं। यहाँ पर पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश से गौरी नदी इस कदर उफान पर आई कि अपने साथ कई घरों को बहा ले गई। मुनस्यारी से कुछ दूर लुमती के पास ऑल वेदर रोड का 500 मीटर से ज्यादा बड़ा हिस्सा गौरी नदी में समा गया। बरम गांव के पास इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना पुल भी अब खतरे की जद में आ गया है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। जा रहे हैं लोग, यहाँ गाड़ी तो बंद है तो आगे रास्ता कैसे जाएगा? जाएंगे आपका अपनी मजबूरी तो देख के जाएगा। कितनी मुश्किल होगी लोगों को क्योंकि ये ऑल वेदर रोड है जो आपने बताया, और अगर कितने सारे गांव होंगे आगे जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं? तो सर इधर से मटकोड़ तक लगा लो, मटकोड़ मुनस्यारी ये मेन रास्ता ही है। लगभग कितने गांव होंगे? तो सर होंगे कितने होंगे, 60-70। 60-70 गांव? ना ना, मुनस्यारी तक तो 60-70। 60-70 गांव प्रभावित हुए हैं और वो लोग अभी फिलहाल लॉक हो गए एक इलाके में। लगभग लॉक ही हो गए, आगे भी बंद है रोड, तो लुमती से आगे पूरा चला गया रोड बंद है, उधर से आगे लुमती से आगे भी बंद है। बंद है पिथौरागढ़ के लुमती गांव के पास पिछले दिनों सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि गांव के गांव अब उत्तराखंड के दूसरे इलाकों से पूरी तरह कट चुके हैं। कई गांव पर नदी के साथ बह जाने का खतरा मंडरा रहा है। नदी के दूसरे हिस्से पर बसे गांव धारा के बेहद करीब आ गए हैं। कहां से आ रहे हैं आप लोग? सेलंग से। सेलंग? तो कैसे पहुंचे यहां तक? बस यहां हुए है। अभी खतरा है उधर पीछे बहुत ज्यादा। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड की पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश से पहाड़ टूट रहे हैं। नदियों की रफ्तार और पहाड़ के दरकने से सड़कें तबाह हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये है पहाड़ों पर होने वाली तबाही। आप देख सकते हैं नदी के पानी ने किस कदर कटान किया है। पूरा का पूरा रास्ता ही पानी अपने साथ बहा ले गया, खेत बह गए, मकान जमींदोज हो गए। ये पानी यहाँ तक आया था सर, ये यहाँ से निकास होता है नीचे को। तो गांव में कितने लोग थे उस समय? हम 2 ही आदमी। बाकी लोग? बाकी लोग बाहर हैं, इधर उधर चले गए। मतलब गांव ही छोड़ के चले गए? गांव ही छोड़ के चले गए। तो आप लोग दो लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? अब यह है थोड़ा खेती है, फल फ्रूट है, मकान है, थोड़ा सामान है अंदर, उसकी चौकीदारी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। डर नहीं लगता आपको अभी भी यहाँ? अब क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है। खाना पीना आप लोग के पास? अब खाना पीना है ला रखा है कंट्रोल से, राशन ला रखा है, वही खाते हैं। मॉनसूनी सीजन में हर साल उत्तराखंड में तबाही का यही हाल है। यहाँ पर जमा ये मलबा पिछले साल का है,
जब नदियों के साथ यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आकर जमा हो गए थे। हर साल आने वाली आपदा की वजह से लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। पूरा रोड ही नहीं है, मतलब जाने रोड बह गई है, रोड बह गई है। तो आने जाना कैसे हो रहा मोरी गांव से यहाँ तक? बहुत ही दिक्कत है, जंगल के रास्ते आ रहे हम लोग। पूरा मुंशहरी से यहाँ तक पूरा समाप्त है, मतलब बीच बीच में। बाकी लोग अभी उसी रह रहे, ना गाड़ियां है, ना राशन है, ना पानी, ना सब्जी। अभी तो मानसून की पहली लहर आई है और पिथौरागढ़ की सूरत बदल चुकी है। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक नदियों में पानी लबालब भरा है। जोशीमठ में मानसून की पहली बारिश ने कई पहाड़ों को ध्वस्त कर दिया, जबकि रुद्रप्रयाग में बारिश हुई तो अलकनंदा उफान पर आ गई। उत्तराखंड में मानसून का आफतकाल शुरू हो चुका है। 17 जून को यहां पर मानसून ने दस्तक दी थी, सिर्फ 2 हफ्तों में यह हाल है। अभी तो वर्षा काल की असली पिक्चर बाकी है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते क्यों मानसून की चाल हो गई सुस्त? आखिर अफ्रीका और यूरोप में बन रहे सिस्टम से क्या है दिल्ली का कनेक्शन? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। मध्य भारत के कुछ हिस्से, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी हिस्से में 10 दिन पहले मानसून की बरसात हो गई। अब इस वजह से हालात जो बन रहे हैं वो तस्वीरें साफ साफ बयां कर रहे हैं। बंगाल में बारिश से कोहराम, सड़क पर समंदर, गली मोहल्ले और बाजार में चल रही है नाव। गुजरात में पहली बारिश ने मचाई तबाही, बाइक बह गई, पुल ढह गया, मकान जमींदोज हो गए। महाराष्ट्र में भी बारिश से हाल बेहाल है, उफनती लहरों में फंसी जिंदगी। आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। मध्य प्रदेश में बारिश से हड़कंप, नदी में अचानक बाढ़ आई, सैलाब में फंस गए इंसान। देश के पूर्वी राज्यों में इन दिनों बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई राज्यों में तेज बारिश की वजह से जल प्रलय के हालात बने हुए हैं। बंगाल से बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल के बड़े हिस्से में बारिश और बाढ़ का कहर है। पश्चिमी मिदनापुर का एक कस्बा झील बन गया, घरों में पानी ने कब्जा कर लिया है, सड़कें तालाब बन गई, शहर में गाड़ियों की जगह नाव तैरने लगी, बाजार में लोग नाव से खरीदारी करने जा रहे हैं। हुगली जिले का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर लोग भारी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। परेशानी का आलम यह है कि आराम बाग में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग खुले आकाश के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। इस इलाके में द्वारकेश्वर और दामोदर नदियों ने कई दिनों से तबाही मचा रखी है। लोगों की मांग है उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, क्योंकि पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी ऊपर आ गया था, घर पर पानी अंदर घुस गया था, सांप बिच्छू अंदर आ गया था, खाने का पानी नहीं था, खाने का कोई चीज भी नहीं था, बढ़ गया था। यहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं, बहुत बस्ती है, बहुत घर है, यहाँ पर पानी बढ़ जा रहा है। हमको सब सामान लेके उठना पड़ रहा है, छोटा छोटा बाल बच्चा है उसको लेके सब सामान लेके उठना पड़ता है, तब जब पानी चलाता था तो बहुत दिक्कत होता है। घटाल का भी हाल बुरा है। 3-4 दिनों की बारिश से घर आधे डूब गए। झूमी और शिलवती नदी बेकाबू है, नदी की तेज धार में लोगों की जिंदगी फंसी हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून के बादल गुजरात के कई राज्यों में जोरदार बारिश कर रहे हैं। बारिश की वजह से जगह जगह बाढ़ के हालात बन गए। तस्वीरें गुजरात के पाटन की हैं। यहां तेज बारिश के बाद सिद्धपुर की मोहिनी नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी सड़क पर तेजी से बहने लगा। तेज बहाव में सड़क पार करते हुए एक बाइक सवार पानी में फंस गया। जान जोखिम में डालकर बाइक सवार बाइक को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पानी के तेज प्रवाह के आगे उसका हौसला टूट गया। हार कर उसने बाइक छोड़ दी। जान तो बच गई, लेकिन बाइक तेज पानी में बह गई। गुजरात के बनासकांठा में पहली ही बारिश में तड़पी नदी पर बना पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत यह रही कि बारिश के बाद इस पुल को बंद कर दिया गया था,
वरना बड़ा हादसा हो सकता है। गुजरात के पाटन में पहली ही बारिश इतनी जोरदार हुई कि मकानों की नींव हिल गई। देखते ही देखते ये मकान ढह गए। मध्य प्रदेश में बारिश का अजब हाल है। यहाँ पर मॉनसून वक्त से करीब 7 दिन पहले पहुंच गया, जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद छिंदवाड़ा के गोघरा वाटरफॉल में अचानक से सैलाब आ गया। पिकनिक मनाने पहुंचे करीब 12 लोग सैलाब में फंस गए। लोग पानी के बीच टापू पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाते रहे। सही समय पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, सभी को बचा लिया गया। महाराष्ट्र में भी बारिश ने कहर मचा रखा है। वाशिम में बारिश की वजह से छोटे नाले भी उफान पर हैं। एक ऐसे ही नाले को पार करते वक्त एक महिला की जान पर बनाई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 15 मजदूर जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे थे। गनीमत रही कि साथ में मौजूद दूसरे लोगों ने उसे बचा लिया। राजस्थान में यूं तो अभी मॉनसून नहीं पहुंचा है, लेकिन प्री मॉनसून बारिश ने शहरों की बद इंतजामी की पोल खोल दी है। सीकर में अचानक मौसम की बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। राजस्थान के पाली में भी प्री मॉनसून की मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से हेमावास नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। 2 ट्रैक्टरों की सहायता से उसे बाहर निकाला गया। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। आमतौर पर दिल्ली में 27 जून तक मॉनसून के बादल आ जाते हैं, बरसात हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसी गुंजाइश बताई जा रही है कि और इंतजार करना पड़ेगा। इस लेट लतीफी का इस क्षेत्र में खासकर क्या कारण? दिल्ली से क्यों दूर हुआ मॉनसून? दिल्ली में कब आएगा मॉनसून? दिल्ली एनसीआर में कब घिरेंगे काले बादल? दिल्ली में कब कहां कितनी होगी बारिश? देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली से बादल नदारद है। ऐसा क्यों है? किस वजह से आधे से ज्यादा देश में जहां पानी भर रहा है, वहां दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं? देखिए, जो मानसून का प्रोग्रेस था पहले हमारे पास काफ़ी फास्ट था, और वो ईस्ट यूपी तक काफ़ी तेज़ी से उसने कवर किया था और जल्दी थोड़ा ऑनसेट हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है हमारे पास, चूँकि देखेंगे कि बीते दिनों में जो वेस्टर्लीज में हमारे पास एक ट्रफ बना हुआ है, और जो कि आपका ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक हमारे पास लास्ट 10-15 डेज में प्रिवेल कर रहा है, तो उसने हमारे पास उसके प्रोग्रेस को थोड़ा सा डिले किया था। हरियाणा का या कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस समय उमस वाली भीषण गर्मी पड़ रही है। सबको बारिश का इंतजार है, लेकिन मौसम विभाग का दावा है कि अफ्रीका में बन रहे सिस्टम की वजह से दिल्ली में बादलों की आवक रुकी है। ये क्या खेल है? ये अफ्रीका से दिल्ली का क्या कनेक्शन? देखिए, जो मानसून है वो तो ग्लोबल है ना, मतलब हमारा जो भारत हिंद महासागर छोड़ के प्रशांत महासागर से लेकर के अटलांटिक लेके सब जगह में मानसून रहता है, जो मेनली जो ट्रॉपिक से हम लोग बोलते हैं मानसून है। लेकिन जो आप हम लोग जो बताया कि MJO, एम मैडन, जे जूलियन, ओ ऑसिलेशन, एक्चुअली 2 साइंटिस्ट जो अमेरिका का है, रोनाल्ड मैडन एंड जूलियन, डॉक्टर जूलियन, 1971 में ये डिस्कवर किया है कि जो हमारा ग्लोब है उसका जो इक्वेटर होता है उसी के आसपास, मतलब उत्तर और दक्षिण में 20 डिग्री तक एक के जो वेव है वो घूमता है। अच्छा, ठीक है ना, रक्षा के जरिए भी बता दीजिए, क्योंकि ये है अफ्रीका। अभी उसका जो पोजीशन है वो अफ्रीका के ऊपर है, तो हाँ, तो उस वो स्टडी किया गया कि ये जैसे आता है और जाता है, ये आता है हर 30 डेज में, ये आता है हमारा जो भारत महासागर के ऊपर, तो चला गया था जब अच्छा एक्टिविटी हुआ था तब ये करके
होते हुए पीछे ये जो है ना जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होते हुए अभी अफ्रीका आ गया, तो अभी आ रहा है इंडियन ओशन को तो टाइम लगेगा, लेकिन जब वो अफ्रीका या अमेरिका जो इक्वेटर के पास होता है अमेरिका का दक्षिण में और अटलांटिक ओशन में होता है तब इंडियन मानसून वीक होता है, ये उसका इम्पैक्ट है। सैटेलाइट की तस्वीरों से साफ है कि हिंद महासागर में अभी मॉनसूनी बादल काफी कम है, जबकि बंगाल की खाड़ी की ओर बादलों की मौजूदगी अच्छी खासी है, लेकिन उसके बाद भी बादल उत्तर भारत की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसकी वजह है यूरोप की तरफ से आने वाला वेस्टर्न डिस्टरबेंस। जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस मिडिल लैटिट्यूड जो यूरोप से आता रहता है, अभी मानसून का पीरियड है, ज़्यादा आना नहीं चाहिए ओ विंड, क्योंकि ओ विंड ड्राई होता है, नॉर्मली विंटर में आता है, लेकिन अभी लगातार दो सिस्टम निकल गया, ठीक है ना, वो भी भारत जो बे ऑफ बंगाल का जो करंट है उसको भी रुका के रखा है, यानी अरेबियन सी तो वीक है ही है, इसके साथ साथ ये जो ब्रांच है जो बंगाल से होते हुए जो पूर्वाई आता है वो होता नहीं। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते में मौसम का मूड बदलेगा, उसके बाद ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है, हालांकि इससे पहले प्री मॉनसून शॉवर हो सकते हैं। पूरे देश के लिए कैसा रहने वाला है बरसात का ये मौसम दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से 10 जुलाई से 25 अगस्त के बीच मॉनसून की बरसात होती है, इस बार क्या संकेत है क्या पूर्वानुमान है आपको दिखाते हैं। पूरब से पश्चिम तक मॉनसून ने डेरा डाल दिया है, कहीं जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं बारिश के लिए थोड़ा इंतजार, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार इस बार बारिश पूरे देश को जमकर भिगोने वाली है, बस कीजिए थोड़ा इंतजार। तो आपके पास जो दिल्ली एनसीआर कह सकते हैं या पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो मेन रेन का टाइम होता है हमारे पास वो 10 जुलाई से लेकर के लगभग 25 अगस्त तक के बीच का होता है, उसके पहले जो भी मानसून की एक्टिविटी होती है या बाद में एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी कम रहती है, मोस्टली जो मेन पोर्सन जो रेनफॉल का होता है वो आपके पास इसी मध्य में होता है 10 जुलाई से लेकर के लगभग 25 अगस्त में। मध्य प्रदेश में भी बारिश ने समय से पहले एंट्री मारी, लेकिन कुछ दिन बारिश के बाद से यहां आसमान सूने पड़े हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहां पर मॉनसून की गतिविधियां थोड़ी सुस्त पड़ी हैं। मॉनसून तो अच्छी तरह से बढ़ रहा था, किंतु इस बीच में पश्चिमी विक्षोभ और कुछ लार्ज फीचर्स के कारण रुकावट आई है, और आने वाले समय में 2-3 तारीख के बाद फिर एक और सिस्टम डेवलप होगा, तब फिर जुलाई में भी संभावना है मॉनसून। मौसम विभाग के अनुसार जिन राज्यों में अभी मॉनसून नहीं पहुंचा है वहां पर जुलाई से पहले हफ्ते में बादलों के पहुंचने के आसार हैं। 10 जुलाई से 25 अगस्त के बीच देश के ज्यादातर भागों में अच्छी मॉनसूनी बारिश हो सकती है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।